उपरांत उसको नोटिस भी जारी किए गए निर्माण बंद करने के लिए, बार बार उसको करने के बावजूद न तो उसने निर्माण बंद करा न भी नियमानुसार उसने स्वीकृति ली हुई। इस पर आज निगम द्वारा उस पर सीज की कार्रवाई की गई। दूसरी कार्रवाई नला बाजार के अंदर पारसमल धर्मदास द्वारा के द्वारा एक G+1 का कॉमर्शियल निर्माण दुकान का किया गया था। नगर निगम के सचिव पुरुषोत्तम पवार ने अवैध निर्माणकर्ताओं के खिलाफ की सीज कार्रवाई। नगर निगम की टीम ने आगरा गेट पर G+2 और नाला बाजार में G+1 निर्माण को किया सीज। नगर निगम के अवैध निर्माण शाखा के प्रभारी अधिकारी व सचिव पुरुषोत्तम पवार के नेतृत्व में गुरुवार को नगर निगम की टीम ने स्थानीय पुलिस की मदद से शहर में दो सीज कार्रवाइयों को अंजाम दिया। पहली कार्रवाई आगरा गेट के पास में सीता देवी पत्नी कमलेश प्रजापति के यहाँ अंजाम दी गई, जहाँ G+2 का निर्माण कराया जा रहा है। पूर्व में इस जगह ईंट गिरने से हादसा भी हो चुका है। नगर निगम द्वारा इनको निर्माण बंद करने के नोटिस जारी किए गए, लेकिन इन्होंने निर्माण जारी रखा और ना ही निगम से स्वीकृति ली, जिस पर आज नियमों की अवहेलना करने पर निर्माण कार्य को सीज कर दिया गया। वहीं दूसरी कार्रवाई नाला बाजार में पारसमल धर्मदास के यहाँ की गई। इनके द्वारा G+1 का निर्माण कराया जा रहा है। बिना स्वीकृति कराए जा रहे निर्माण के विरुद्ध निगम ने पूर्व में इन्हें नोटिस जारी किए और जवाब मांगा, लेकिन निर्माणकर्ताओं ने ना तो नोटिस का जवाब दिया और ना ही स्वीकृति ली। ऐसे में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 194(7)(6) के अंतर्गत दोनों निर्माणों को सीज किया गया है। नगर निगम द्वारा आज दो कार्रवाई की गई। पहली कार्रवाई है वो आगरा गेट के पास में सीता देवी वाइफ ऑफ कमलेश प्रजापति की प्रॉपर्टी थी, तो G+2 का उसके द्वारा निर्माण किया गया। एक बार पूर्व में निर्माण के दौरान कुछ वहाँ ईंटें वगैरह और दीवार गिरने से हादसा भी हुआ था, जिसको उपरांत उसको नोटिस भी जारी किए गए निर्माण बंद करने के लिए। बार बार उसको करने के बावजूद न तो उसने निर्माण बंद करा न भी नियमानुसार उसने स्वीकृति ली, जिस पर आज निगम द्वारा उस पर सीज की कार्रवाई की गई। दूसरी कार्रवाई नला बाजार के अंदर पारसमल धर्मदास द्वारा एक G+1 का कॉमर्शियल निर्माण दुकान का किया गया था। इस पर भी निगम द्वारा इनको नोटिस जारी की गई, सुनवाई भी की गई, लेकिन इनका जवाब संतोषप्रद नहीं होने से और उनके पास निर्माण की परमिशन नहीं होने से इस पर भी आज सीज की कार्रवाई की गई। निगम द्वारा इस प्रकार आज दो सीज की कार्रवाई की गई है। इसी प्रकार आगे भी अगले वीक में भी कार्रवाई है वो जारी रखेंगे।